हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक बॉक्स है। इसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि ये बॉक्स क्या है और किस यूज़ में आता है। तो पहले आप ये समझ लो कि ये यूफिक्स कंपनी का बॉक्स है। इसका मॉडल नंबर है U-BOS 2। मतलब इसके पहले भी एक मॉडल आया था, वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो एक इसका यूनिट आता है साथ में, ये इसका यूनिट है, हम इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ ऐसे 5G आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जो EEPROM के सॉकेट नहीं है या iMac वगैरह के जो होते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे वेल्ड कर देते हैं, यानी डायरेक्ट उसकी जो BIOS है वो इधर लगा देते हैं। और दूसरा क्या है, तो बाकी सब हमें उसकी BIOS रख के और ईयर बाय ईयर वाली वो प्रोग्राम कर सकते हो। इसको मॉडल नंबर से कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जैसे कि 2011 से 2014 तक के जो BIOS होते हैं वो सेम होते हैं, वो AC में ऐसे लग जाएंगे। इसको लॉक कर दो और यूनिट में लगा दो और हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे चालू होता है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पे ना दो पावर इनपुट है, एक टाइप सी भी है और एक V3 भी है। ये इसका पावर की है। आप यहाँ पे बैटरी भी लगा सकते हो, देखो बैटरी कवर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ बैटरी लगेगी। हमने अभी बैटरी नहीं लगाई है। ये लगाने के बाद क्या करना है, पावर की दबाना है। देखो लाइट आ गई है, तो आपको जैसे कोई भी इसका इंटरफेस ऐसा है, थोड़ा सा मैं यूजिंग भी बता देता हूँ कि जो भी ईयर का है उसको इस पे ऐसे लगाना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे स्मार्ट आइडेंटिफिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो रोम है उसका यहाँ पे आईडी आ जाएगा, ठीक है। तो आईडी यहाँ पे आ जाएगा, जब तक अगर आईडी आ गया तो समझ लीजिए कि आपका जो रोम है वो डिटेक्ट हो चुका है मशीन में। इसके बाद क्या करना है, आपने ओपन फाइल पर जाना है। ओपन फाइल के बाद आपका जो भी मॉडल है, जैसे हमारा 1502 मॉडल है, तो 1502 पे जाएंगे और वहाँ पे सारे बोर्ड नंबर लिखे होते हैं। मतलब ये 3-4 टाइप के बोर्ड बनाते हैं उस मॉडल के, उस ईयर के हिसाब से होता है। तो जो भी मॉडल है उसको आप ओके करके और वो फाइल यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगी। देखिए यहाँ पे डाटा रेडी लिखा हुआ है, बस ऑटो प्रोग्राम पे करेंगे और वो कर देगा। बट यहाँ पे बोल रहा है डिस्क स्पेस एरर, मतलब इसमें हमने IC लगाई नहीं है इसके लिए। और इसका प्रोसेस कैसा होता है, ये हमारी पिछली वीडियोज़ में हमने इसको यूज़ किया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हो। और ये बॉक्स हमने दूसरा नया मंगाया, तो इसीलिए हम इस पर कम्प्लीट रिव्यू, बहुत लोग बोल रहे थे तो हम कम्प्लीट रिव्यू अभी इस पर दे रहे हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, पहली बात तो ये समझिए। जैसे नो डिस्प्ले हो जाए या आपका BIOS करप्ट हो जाए या कीबोर्ड माउस नहीं चल रहा है, सारे वोल्टेज वगैरह ओके हैं फिर भी नहीं चल रहा है, या तो आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है और सारे सब कुछ ओके है फिर भी नहीं, तो इसका मतलब BIOS करप्ट हो जाता है। उसका जो SPI रोम है वो करप्ट हो जाती है, तो उसको फिर से करना पड़ता है। तो इतना तो आप समझ गए मेरे को लग रहा है। इसको इसमें वापस रख देंगे पावर की दबा के। और इसके साथ एक ये आता है, इसमें है ना सारे BIOS का डेटाबेस होता है। इसको यूज़ करके हमने दिखाना बाकी है, हम इसका यूज़ करके भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। बाकी तो इनका सबका यूज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे केसों में हमने इसको यूज़ किया हुआ है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारा हमारा रिव्यू। बॉक्स बहुत अच्छा है, इसके अंदर रेडी फाइल्स हैं सारी, आपको कोई डाउनलोड नहीं करनी, सारी टेस्टेड है। और इस बॉक्स की अगर बात की जाए तो इस टाइम 30,000 के आसपास का इसका मार्केट रेट है, ठीक है। ये क्या है, फ्लक्चुएट होता रहता है, डिपेंड ऑन डॉलर्स और RMB जो चाइनीज यहाँ है उसके ऊपर थोड़ा बहुत अप डाउन होता है प्राइस, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारी समझ गई।